Depends, depends. Test cases and test scenario is like. In this, we can say test cases means. टेस्ट सिनारियो मीन्स वॉट वी विल सी. सो टेस्ट केस मतलब क्या है कि हम लोग किस तरह से हाउ वी विल चेक आवर एप्लीकेशन, और टेस्ट सिनारियो मतलब वॉट वी हैव टू डू. एंड टेस्ट केस मीन्स हाउ वी हैव टू. तो सबसे सिंपल सा रास्ता बताता हूँ आपका, ठीक है. टेस्ट सिनारियो एंड टेस्ट केसेस. तो इसका टेक्निकल एग्जांपल नहीं देता हूँ आपको, एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. तो समझो, ये औरंगाबाद है, मुझे जाना है पुणे, ठीक है. तो मैं कौन कौन से वे से जा सकता हूँ? ट्रेन से जा सकता हूँ, ट्रैवल से जा सकता हूँ, बाय कार जा सकता हूँ, बाय बाइक जा सकता हूँ, और कोई रास्ता है? प्लेन. मुझे नहीं लगता एयरप्लेन रहेगा वहाँ पे, ठीक है, औरंगाबाद. तो इतने सारे रास्ते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गए हमारे, डिफरेंट डिफरेंट वेज हो गए, है कि नहीं, जिस तरह से हम लोग जा सकते हैं. वी कैन ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन, ट्रैवल्स, कार, बाइक और प्लेन. दिस आर द वेज इन विच वी कैन गो फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे और पुणे टू औरंगाबाद. ओके, सो इफ आई सेलेक्टेड ट्रेन और ट्रैवल्स और कार और बाइक और प्लेन, हाउ आई विल अचीव दिस? दिस इज अ टेस्ट केसेस, समझ रहे हो? टेस्ट सिनारियो मतलब क्या है कि इसमें हमें क्या करना है, देखना है. एक्चुअली ट्रेन से जाना है, ट्रैवल से जाना है, कार से जाना है, बाइक से जाना है, या फिर प्लेन से जाना है, ठीक है. तो एक जो हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है, या हमें कुछ टेस्ट करना है, तो वो टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज रहेंगे. इन थ्री और फोर वेज वी कैन टेस्ट आवर एप्लीकेशन, राइट. इन थ्री और फोर वेज वी कैन ट्रैवल फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे. सो डिपेंडिंग ऑन दिस सिनारियो वी हैव टू राइट द टेस्ट केसेस. ये जो सिनारियो है, सिनारियो मीन्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेज है जैसे मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ. तो सिनारियो मतलब क्या होता है कि इन दिस वे वी कैन ट्रैवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू आवर डेस्टिनेशन, राइट. सो सिनारियो मीन्स क्या होता है कि हमें एक पॉइंट से, या फिर हमें कुछ टेस्ट करना है, तो उसे टेस्ट करने लिए करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है ये चेक करना, मतलब डिफरेंट सिनारियोज होते हैं. और टेस्ट केसेस मतलब क्या होता है कि कैसे जा सकता हूँ. अभी मैं ट्रेन से जाऊँगा, सो जैसे उस ट्रेन का पाथ रहेगा, ट्रैवल पाथ रहेगा, उस तरह से मैं जा सकता हूँ. अभी इसमें भी टाइप्स आते हैं, कुछ सुपर फास्ट एक्सप्रेस होती है, कुछ पैसेंजर ट्रेन होती है. सो जाते वक्त क्या होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, एक्सप्रेस अभी जाती है तो 4 घंटे में जाती है, पैसेंजर जाती है 8 घंटे में. सो दैट इज़ अ थिंग हियर, ठीक है. ट्रैवल से जाओगे तो ट्रैवल्स में जाओगे तो आपको स्टॉप्स, हाँ ठीक है, ट्रेन से भी जा रहे हो आप, ठीक है. तो ट्रेन से भी जाओगे तो आपका एक पर्टिकुलर पाथ रहेगा, ठीक है. आपको ट्रैवल पाथ के लिए आपको पहले स्टेशन टू स्टेशन ड्रॉप करेगा ये, ठीक है. औरंगाबाद का स्टेशन से लेके पुणे स्टेशन, पुणे जंक्शन पे आपको ड्रॉप करेगा. तो वहाँ पे आपको और कुछ तो आपका जो आगे वाला पॉइंट रहेगा, जैसे आपको जाना है पिंपरी चिंचपट में, ठीक है. तो इसके बाद आपका और एक बात आएगा, स्टेशन उतरने के बाद आपको कैब करना पड़ेगा, या फिर कुछ रेंट करना पड़ेगा, ऑटो करना पड़ेगा, फिर जाके वहाँ से जा सकते हो. लेकिन ट्रैवल्स करोगे तो ट्रैवल्स में भी आपका अगर पिंपरी चिंचवड़ का ये ड्रॉप रहेगा तो डायरेक्टली आपको वहाँ से वहाँ तक छोड़ देगा.
कार जाओगे, कार लेके जाओगे या फिर बाइक से जाओगे तो आपको क्या है, डोर टू डोर सर्विस मिलेगी। मतलब डायरेक्ट आप पिंपरी चिंचोड़ के जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है नहीं। और प्लेन से जाओगे तो प्लेन से ऑब्वियसली वही बात होगी कि आपको एयरपोर्ट पर उतरना होगा और वहाँ से आपको दूसरा कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पिंपरी में जाना है, पिंपरी चिंचोड़ में जाना है, ठीक है, सो इफ़ यू टू रीच देयर, सो हमारे पास कुछ स्टेप्स है ना। कि सबसे पहले क्या है कि हम लोग ट्रेन में बैठेंगे, पुणे जंक्शन में उतरेंगे, पुणे स्टेशन पे उतरेंगे। स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोग कैब करेंगे, ऑटो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग पिंपरी में पहुँचेंगे। ट्रैवल्स में यही होता है कि जो ड्रॉप रहेगा पिंपरी वाला, तो फिर पिंपरी के आसपास वाला वहाँ पे उतरेंगे। ओके, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर से हम लोग पिंपरी में उतर रहे हो तो वहाँ से हमें कैब्स करना होगा या फिर ऑटो करना होगा। वहाँ से हमें जो जो एड्रेस पे जाना है वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो क्या हो रहा है, हर एक का प्रोसेस अलग अलग है ना। मैं कैब से भी जा सकता हूँ, मैं ऑटो से भी जा सकता हूँ, या फिर कोई मुझे पिकअप करने भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। अगर ये आप देख रहे हो, अगर मैं जाने के लिए ट्रेन देख रहा हूँ, ट्रेन के लिए कुछ अलग से प्रोसेस है, राइट। तो ये हो गया मेरा टेस्ट सिनारियो। एक मैंने पकड़ लिया है रास्ता, उससे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पिंपरी चिंचोड़ मतलब क्या है मेरा, अगर मुझे पहुँचना है तो मैं ट्रेन यूज़ कर रहा था। दिस इज माई टेस्ट सिनारियो। सो इन दिस टेस्ट सिनारियो, ये टेस्ट सिनारियो एक ही है, ठीक है, ट्रेन से जा रहा हूँ। लेकिन इसमें टेस्ट केसेस कितने हो सकते हैं, मेनी टेस्ट केसेस। जैसे ये देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक, मेरा जो ड्रॉप पॉइंट्स है पिंपरी चिंचोड़ का, मैं यहाँ तक आया हूँ। उसके बाद मैं कैब से भी जा सकता हूँ, ऑटो से भी जा सकता हूँ, पिकअप से भी जा सकता हूँ। सो वाइल टेस्टिंग द एप्लीकेशन, वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरी थिंग इज कवर्ड, एवरी थिंग इज कवर्ड। कवर्ड इन वॉट, टेस्टिंग। हर एक चीज़ की टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ट्रेन का एक टेस्ट सिनारियो बन गया, उसके लिए मल्टीपल टेस्ट केसेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट केसेस आएंगे ट्रैवल्स के लिए, कार कार के लिए, बाइक के लिए, प्लेन के लिए। ये हो क्या नाम रखने का, एग्जाम्पल। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक का एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनारियो, टेस्ट सिनारियो हम लोग लेंगे चेकआउट पेज ऑफ फ्लिपकार्ट और अमेजोन। तो इसमें क्या होगा, चेकआउट पेज ऑफ फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में क्या होगा, हम लोग जब पेमेंट करने वाले हैं तो पेमेंट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पे ऑन डिलीवरी, और क्या है, अमेजन वॉलेट, या फिर खुद का अगर गिफ्ट कार्ड, वॉलेट बैलेंस, और क्या होगा, और कोई ऑप्शन है, हेलो। नहीं सर। तो ये क्या हो गए, हमारे सिनारियोज हो गए डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सो जब क्रेडिट कार्ड से आप ऑर्डर करते हो या फिर डेबिट कार्ड से ऑर्डर करते हो तो आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब टू प्लेस द ऑर्डर फ्रॉम डेबिट कार्ड वी हैव टू डू सम स्टेप्स, तो दैट्स आर टेस्ट केसेस। सो दिस इज आवर टेस्ट सिनारियो, जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना है। सो दैट इज द सिनारियो। एंड टेस्ट केसेस मीन्स हाउ टू प्लेस द ऑर्डर, है ना।
तो हम डेबिट कार्ड यूजिंग कैसे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो एरर, ये सबसे पहले ये थे कि प्रीवियसली एडेड डेबिट कार्ड, और एक चीज़ है कि न्यू एड डेबिट कार्ड एंड प्लेस द ऑर्डर। इसमें क्या हो रहा है देखो कि प्रीवियसली एडेड जो ये है, मतलब हमने क्या किया, अकाउंट में प्रीवियसली ऐड किया है मेरा डेबिट कार्ड और उससे ऑर्डर कर रहा हूँ, और एक नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है मेरे पास, उससे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। तो प्रीवियसली ऐड है तो क्या होगा, वहाँ पे मुझे सिर्फ CVV डालना पड़ेगा, राइट। अगर न्यू डाल रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा नेम, उसका एक्सपायरी डेट, उसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वो CVV मांग रहा है, तो उसके बाद में मुझे OTP आएगा, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती, जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो OTP मांगेगा, तो OTP करेक्ट डाल रहा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें से मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत डालता हूँ क्या होगा, ऑर्डर प्लेस होगी क्या? नहीं होगी सर। OTP गलत है, ऑर्डर प्लेस हो गया क्या? तो ये सब टेस्ट केसेस में करना है आपको, कि अगर मैंने रॉन्ग नेम डाला है तो क्या होगा, एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट अगर अलग डाली तो क्या होगा, CVV अलग डाला है तो क्या होगा, OTP अलग डाल रहा हूँ तो क्या होगा। तो ये सब आपको टेस्ट केसेस में कवर करना है। सो दिस इज अ टेस्ट केसेस एंड टेस्टिंग मॉडल, ठीक है। तो ये सब आपको ये करना, चेक करना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो, ठीक है। सो यस्टरडे वी आर सी, जहाँ पे होता है रिकवरी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, इंटर सिस्टम सैनिटेशन, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। सो ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। सो सपोज मेरा एक एप्लीकेशन है जो सिर्फ USA में चलता है, USA में यूज कर रहा हूँ मेरा एप्लीकेशन बस, तो USA में कौन सी लैंग्वेज बोली जाते हैं? इंग्लिश, राइट। ज़्यादा तो ऑफिशियल लैंग्वेज उधर की होगी, ठीक है। अगर इंडिया में मैंने इंडिया के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो इंडिया में कितने लैंग्वेजेस है? थ्री, हिंदी, मराठी, बहुत सारे लैंग्वेज है, ठीक है। और सब तो अभी ये तो हो गया USA कस्टमर, ठीक है। अभी हमारे जो लैंग्वेज रहेगी, ठीक है, इंडिया के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में ही बना सकता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज मेरी इंग्लिश रहेगी। लेकिन मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो हिंदी भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, मराठी भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, इंग्लिश भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, तेलुगु भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, पंजाबी भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि जिसको मराठी आता है और उसे मेरा एप्लीकेशन अगर यूज़ करना है, मेरा अगर वेबसाइट यूज़ करना है, तो वी कैन गिव द यूज़र टू चेंज द एप्लीकेशन इन मराठी लैंग्वेज एंड ही कैन प्लेस द ऑर्डर, और ही कैन यूज़ आवर एप्लीकेशन इन हीज लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में आता है चाइनीज, स्पैनिश, तो ये क्या है, जापानीज, ये कौन सी लैंग्वेजेस है? ये चाइनीज चाइना में यूज होती है, मतलब क्या है वो, उनके ग्लोबल रिलेटेड। लैंग्वेज, तो ये भी लैंग्वेज सपोर्ट होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये जो है
हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जब भी हमारा अगर एप्लीकेशन बनाएंगे तो अगर वो एप्लीकेशन ग्लोबली यूज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे कि google.com देखिए, google.com हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, अराउंड द ग्लोब कहीं भी यूज हो सकता है ना, है कि नहीं? दुनिया में आप कहीं भी देखोगे तो ग्लोबल यूज होगा, है कि नहीं? google.com कौन सी कंट्री यूज नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा ही कंट्री यूज करती होगी, अगर उन्होंने बैन नहीं किया होगा तभी google.com नहीं यूज कर सकते, ठीक है? नहीं तो जब आप google.com यूज करते हो तो हम देखते हैं कि गूगल कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, हिंदी करती है, अभी ये पता नहीं मुझे कौन सी, ये तेलुगु, मराठी, गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, ठीक है, इंग्लिश भी करती है, ये स्पेनिश इंग्लिश भी करती होंगी ये वेबसाइट, ठीक है? तो बिकॉज दिस वेबसाइट इज यूज इन एवरी अराउंड द ग्लोब एंड एवरी कंट्री, ठीक है, तो उस कंट्री में लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो स्पेनिश में भी यूज़ होता होगा, ठीक है, वो जापानीज में भी यूज़ होता होगा और चाइनीज़ में भी यूज़ करता होगा। तो ये google.com जो है अराउंड द यूज़ होगी, अराउंड द ग्लोब यूज़ होगी, मतलब दुनिया में कहीं भी बैठ के यूज़ होगी, तो उसे मेक श्योर करना पड़ेगा गूगल को कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हर एक लैंग्वेज में सपोर्ट करती है, हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करनी है, करती है, तो उसे ही बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग मतलब क्या? यू हैव टू मेक श्योर आवर एप्लीकेशन इज सपोर्टेड बाय मल्टीपल लैंग्वेजेस, सो एवरी यूजर कैन एक्सेस दिस वेबसाइट, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले ऐसा काम हुआ था कि amazon.in जो है वो वेबसाइट जो है वो मराठी में नहीं थी, तो उसके लिए बोला गया था कि मराठी सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर जाके amazon.in मराठी में सपोर्ट हुई थी, मराठी में लैंग्वेज में है शायद वो, पहले मराठी लैंग्वेज नहीं थी, ठीक, .in के लिए, तो अभी होगी। तो देखो मराठी, बांग्लादेश, मल्यालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट amazon.in इंडिया में यूज़ होने वाली है, तो इंडिया में एक ग्लोबल लैंग्वेज है कि नहीं? इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए हम बोलते हैं इसे ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज, और ये जो है हमारे लोकल लैंग्वेजेस है कि नहीं? ऐसा ना, तो इसीलिए ये जो लैंग्वेज रहेगी ये हो गई ग्लोबल लैंग्वेज, और बाकी ये सब जो है हमारी लोकल लैंग्वेज है, मतलब कोई अगर हिंदी बोल सकता है तो वो आदमी हिंदी बोल सकता है तो कहीं भी रह सकता है, मराठी अगर बोलते हैं ज़्यादा तो वो महाराष्ट्र में होते हैं, राइट, तेलुगु बोलते हैं तो वो फिर हैदराबाद साइड, राइट, तेलंगाना में होते हैं, तो हर पंजाबी रहते हैं तो वो पंजाब में रहते हैं, तो हर एक इसमें कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करता है, तो अगर कोई पंजाबी यूज़ करेगा तो उसे अगर इंग्लिश नहीं आती है इतनी तो वो पंजाबी में अगर यूज़ करेगा एप्लीकेशन तो उसे यूज़ करने मदद मिलेगी, है ना? मराठी में अगर मैं यूज़ करूँगा तो मराठी में मुझे टेस्ट करने में मदद हो जाएगी। सो इसके कुछ टाइप्स है ग्लोबलाइजेशन के, तो वो देखने वाले हैं हम लोग।
तो क्या है कि हमें ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग करनी है, मतलब क्या है कि हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अभी हम लोग अगर एप्लीकेशन अगर समझो ग्लोबल एप्लीकेशन है जो दुनिया में कहीं भी बैठ के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, जैसे कि amazon.com हो गया, तो जैसे आप amazon.com पे देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश, स्पैनिश, डच, कोरियन, पोर्टुगीज, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, राइट। अब ये क्या है, ये इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है और ये अलग अलग देशों में यूज़ होती है। स्पैनिश स्पेन में यूज़ होती है, राइट, पोर्टुगीज पुर्तगाल में यूज़ होती होगी, ठीक है। सो दिस आर द इंटरनेशनल लैंग्वेजेस विच आर यूज इन दियर कंट्री। जैसे इंडिया देखोगे तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश चलती है ना, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है। लेकिन उसके साथ हम लोग अगर देखोगे तो उसके साथ अगर दूसरी लैंग्वेज देखोगे तो हम लोग हिंदी यूज़ करते हैं, है कि नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज, है कि नहीं, राष्ट्रीय भाषा करके। तो वो हो गई, तो वाइल टेस्टिंग द एप्लीकेशन तो हमें यही चेक करना है कि हमारा अगर एप्लीकेशन दो ही लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, एक तो इंग्लिश या स्पैनिश, ठीक है, तो हमें उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है उसे इंग्लिश में और स्पैनिश में दोनों लैंग्वेज में सपोर्ट करना पड़ेगा, दोनों लैंग्वेज में टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर करना पड़ेगा कि स्पैनिश में कुछ गलती नहीं है और इंग्लिश में आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में आप टेस्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर करना है कि टेस्ट करते वक्त स्पैनिश को भी टेस्ट करना है। तो वो कब कैसे चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले बताता हूँ ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग मतलब क्या है, ग्लोबल लैंग्वेजेस की टेस्ट। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ग्लोबल लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि ग्लोबल यूज़ होती है इंग्लिश या फिर स्पैनिश, ठीक है, या फिर अगर इंग्लिश है या स्पैनिश है दिस आर दी ग्लोबल लैंग्वेजेस, तो इंग्लिश सपोर्ट होनी चाहिए। बाद में इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब क्या, नेशनल लैंग्वेज ऑफ देयर कंट्री, जैसे कि स्पैनिश, जापानीज, चाइनीज, जो हमने देखा था अभी ये वाली स्पैनिश, डच, पुर्तगीज, ये वाली लैंग्वेजेस, क्योंकि वो उस कंट्री में यूज़ होती है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस और इंटरनेशनल टेस्टिंग। थर्ड आती है लोकलाइजेशन टेस्टिंग। लोकलाइजेशन टेस्टिंग मतलब जैसे कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट होती है तो उसके हिसाब से हमें टेस्ट करना होगा। तो जहाँ पे हिंदी, तेलुगु, तमिल जितने भी मैंने अभी तक बोला था वो वाले, ठीक है, तो ये है लोकलाइजेशन टेस्टिंग। सो अभी क्वेश्चन आता है कि आपको अगर समझो स्पैनिश में कन्वर्ट करना, स्पैनिश में टेस्ट करना है एप्लीकेशन, तो आप कैसे करोगे। तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश आती है उतने फ्लुएंसी से, आपको उतने अच्छे से आपको स्पैनिश नहीं आती, तो क्या करना है आपको, टेस्ट तो आपको करना है क्योंकि ये टेस्टर का जॉब है टेस्टिंग करना, ठीक है। तो क्या करना कि एक ही वेबसाइट को इंग्लिश और स्पैनिश दोनों में यूज़ कर, मतलब ओपन करना, यहाँ देखो मैं यहाँ पे इंग्लिश करता हूँ, यहाँ पे स्पैनिश की है, ठीक है, तो मैं इसी एप्लीकेशन को दो लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली मुझे दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या गलत जा रहा है, क्या गलत, क्या गलत, क्या सही जाता है। देखो ऑप्शन चेंज हो गए आ रहा है, एक टाइम पे amazon.com इंग्लिश में ओपन किया है मैंने और एक टाइम पे वही स्पैनिश में यूज़ किया, वेबसाइट जो है ना वो सेम ही दिखेगी। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना है। तो इस गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके आप इंग्लिश से लेके, आप स्पैनिश रहेगी तो स्पैनिश में भी कर सकते हो, डच करनी है डच में भी कर सकते हो,
वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट इंटरेस्टेड इन, उसमें आप लगे टेस्टिंग कर सकते हो। तो वाइल डूइंग ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग आपको क्या क्या चेक करना है, तो आपको हर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अभी देखो, सबसे पहले तो हो गया इमेजेस, तो ये जो इमेजेस है तो ये भी आपको इंग्लिश में दिख रहे, मतलब स्पैनिश में दिख रहे, ठीक है नहीं। टॉयज एंड गेम्स है, तो ये टॉयज एंड गेम्स आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो स्पैनिश में दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं। तो ये इमेजेस है, तो एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड इन स्पैनिश। अगर इमेज रहेगी तो इमेज भी आपको स्पैनिश में, अगर कोई टेक्स्ट रहेगा तो वो भी। ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस भी वो, ऑप्शंस भी वो किस में होने चाहिए, स्पैनिश में। नहीं देखो, ठीक है, नाम मतलब फोटोज के लिए ठीक है चलता है, क्योंकि यहाँ पे फोटोज नहीं दिए है, लेकिन मेक श्योर करना कि आपको जो भी नीचे दिया गया है, ठीक है, जो भी कुछ मतलब आपका मेन फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन का, उसके लिए। और आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि आप बता सकते हो, पूछ सकते हो कि दिस इमेजेस आर नॉट इन स्पैनिश, ठीक है, तो ये इंग्लिश में ही दिखा रहे, तो इसके लिए स्पैनिश में कन्वर्ट करना है क्या इसको। तो अगर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, अगर आपके जो हायर अथॉरिटीज है जैसे आपके मैनेजर या टेस्ट लीड या फिर टीम लीड, अगर आपको नहीं बोलते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आपको पूरा चेक करना है। ऑर्डर प्लेस करते वक्त आप जो कुछ भी हेल्प पेजेस चेक कर सकते हो, जो कुछ भी वेबसाइट पे रहेगा वो सब चेक करना है, क्लिक करके, ठीक है, सेलेक्ट करके जितना भी आपको रहेगा। अब ये देखो, ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं क्लिक करने के बाद उसी में जा रहा हूँ, उसी लैंग्वेज में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये जो टेक्स्ट है, इमेजेस है इस इमेज का, तो वो स्पेनिश में नहीं है, तो एक बार पूछ लेना कि उसके लिए डिफेक्ट लॉक करना है या ये रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें इसके लिए डिफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो वो कंडीशंस लेंगे। अगर हमको उस इसमें चाहिए रहेंगे तो वो हमें बता देंगे कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, तो वो फॉलो करना है, ठीक है। तो फिर क्या क्या कर सकते हैं हम वाइल डूइंग ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। लिंक वैलिडेशन, टैब वैलिडेशन, पेज वैलिडेशन, ठीक है ना। जितने भी लिंक्स हैं मेरे एप्लीकेशन के, वो सब लिंक्स चेक करके देखूंगा कि ये उस इसमें आ रहा है क्या, उस लैंग्वेज में आ रहा है क्या। इसमें क्या आ रहा है, ये लिंक्स हैं बहुत सारे, बहुत सारे लिंक्स है, ठीक है। ये बहुत सारे लिंक्स जो है, देखो जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिंक्स है, लिंक करने के बाद मेरा कुछ नया पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं अभी कौन से लैंग्वेज में हूँ, स्पैनिश वाले सेक्शन में, राइट। देखो यहाँ पे देखो, ये टेक्स्ट किस में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, ये किस टेक्स्ट में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है। सो बिकॉज दिस इज स्पैनिश, तो ये स्पैनिश में दिखना चाहिए। अभी ये कंपार्टमेंट ये सब आ रहा है कि नहीं। देखो ये क्या है, टेक्स्ट स्पैनिश में है, लेकिन ये इमेज का टेक्स्ट स्पैनिश में है क्या, नहीं है, तो इसके लिए हम पूछ सकते हैं, डिफेक्ट लॉक कर सकते हैं। ओके, समझ में आया ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। यस सर। उसमें बाद में हम रखने वाले टाइप्स ऑफ रिव्यू, रिव्यू किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रिव्यू क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो काम किया होगा, ठीक है, वो काम करने के बाद मेक श्योर करना है कि दिस इज़ वर्किंग एज पर एक्सपेक्टेशन, या फिर मेरे में कुछ गलती है, ठीक है।
मैंने अगर किसी की डेवलपमेंट टीम या फिर टेस्टिंग टीम, वे डेवलपमेंट टीम ने कुछ डेवलप किया है, कोडिंग किया है, और एज पर यूजर स्टोरी जितना भी उसका काम है, ठीक है, वो काम कंप्लीटली हुआ है क्या, उसमें कुछ गलत है क्या, उसमें कुछ गलती थी क्या। तो जो डेवलपमेंट करने का पहले है, कुछ यूजर स्टोरी के पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स समझो 5 पॉइंट्स है, और 5 पॉइंट्स में से हमने डेवलपमेंट करते वक्त डेवलपर ने सिर्फ 4 पॉइंट के ऊपर ही ध्यान दिया है, और फिफ्थ पार्ट जो है उसने मिस किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका जो ये है कोडिंग है, डेवलपमेंट है, या फिर कुछ भी रहेगा, कोडिंग रहेगा, फिर टेस्टर रहेगा, तो टेस्टर लिख रहा है टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस लिखते वक्त उसने सब सिनारियोस मेंशन किए थे, ऐसे 5 सिनारियोस थे, 5 में से उसने सिर्फ 4 के ऊपर टेस्ट केसेस लिखे। सो जस्ट टू मेक श्योर, रिव्यू करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि हमने कुछ वापस छोड़ा नहीं। एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड, द वर्क इज कम्प्लीटेड, और कोई बीच में छूट नहीं गया है। तो इसके लिए रिव्यू प्रोसेस है, तो रिव्यू कुछ टाइप्स है, ये टाइप्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू मतलब क्या है, अगर डेवलपर रहेगा या फिर टेस्टर रहेगा, ठीक है, जो कुछ भी डेवलपर या फिर टेस्टर, जो कुछ भी आपने काम किया हो, अभी डेवलपर करेगा कोडिंग, टेस्टर क्या करेगा, राइटिंग टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूशन टेस्ट केस करेगा। तो राइटिंग टेस्ट केसेस के बाद आपको अगर लगता है कि आपके टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गए, तो आप खुद से एक बार रिव्यू करोगे उस राइटिंग टेस्ट मतलब कंप्लीटेड टेस्ट केसेस का, जस्ट टू मेक श्योर कि एवरी सिनारियोज आर कवर्ड, राइट। और टेस्टर रहेगा तो वो मेक श्योर करेगा, डेवलपर क्या करेगा, जो कुछ उसने डेवलप किया है कोड, मेक श्योर करेगा जितने भी डेवलपमेंट था, जितना भी रिक्वायरमेंट था, उसके ऊपर उसने सब के लिए टेस्ट कोडिंग किया है, राइट। तो सेल्फ रिव्यू मतलब क्या है कि एक डेवलपर और टेस्टर, एवरी डेवलपर और टेस्टर विल सेल्फ रिव्यू द वॉट एवर वर्क दे हैव डन, दैट इज अ सेल्फ रिव्यू, ठीक है। पीयर रिव्यू मतलब क्या होता है, कि जो कुछ भी आपने डेवलप किया है वो आप आपके कलीग को रिव्यू करने लगाओगे, डेवलपर है। सो डेवलपर विल आस्क अदर डेवलपर टू चेक देयर कोड, और टेस्टर क्या करेंगे, टेस्टर विल आस्क देयर कलीग, चलो टीम लीड बोलते हैं, हेलो सर, 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टेस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो आपने जो कुछ भी लिखा है, सीनियर टेस्टर, टीम लीड, या फिर आपके टीम के मैनेजर, तो आपने जो कुछ भी टेस्ट के साथ लिखे हैं, तो उसके लिए उस टेस्ट केस का रिव्यू करना पड़ता है, राइट। आपने जो कुछ भी लिखा है तो टेस्ट केस का रिव्यू करना पड़ेगा, तो रिव्यू के लिए आप किसे भेजोगे, आपका टेस्ट केसेस का रिव्यू आपके सीनियर डेवलपर को, मतलब टेस्टर को, या फिर टीम लीड को, या फिर टीम मैनेजर को, ठीक है। अभी किसी किसी के कंडीशन में ये दोनों अवेलेबल नहीं रहेंगे, सिर्फ एक टेस्टर है और एक टीम लीड, टीम मैनेजर है, तो आप उसे भेजोगे रिव्यू के लिए जो अपने टेस्ट केस लिखे हुए है। अगर आपके पास सीनियर मेंबर है तो सीनियर मेंबर अवेलेबल है, तो आप उसे टेस्ट केस के लिए रिव्यू के लिए भेजोगे, तो वो क्या करेगा, सीनियर मेंबर आपके टेस्ट केस रिव्यू करेगा और आपके कुछ फीडबैक देगा
कि आपने जो है इसके ऊपर टेस्ट केस नहीं लिखे है, तो इसके ऊपर टेस्ट केस लिखो, ठीक है। नहीं, इन द सेम मैनर अगर रिव्यू करना है आपका कोड, आपने कुछ कोडिंग की हुई है, तो वो कोडिंग रिव्यू करने के लिए आप किसे भेजोगे? आपके सीनियर डेवलपर को, या फिर टीम लीड को, या फिर टीम मैनेजर को। फिर उनको कुछ आपके इसमें कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम लगा, या फिर आपने कुछ कवर नहीं किया है इसमें, तो वो क्या करेंगे? आपको बताएंगे कि ये इम्प्रूव करना है, ठीक है। नहीं, तो वो होता है पीयर रिव्यू। डेवलपर एंड टेस्टर कैन आस्क देयर कलीग फॉर द रिव्यू। यूजिंग पीयर रिव्यू वी कैन चेक आवर फंक्शनैलिटी वर्किंग और नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो कुछ उसमें कुछ फीडबैक रहेगा तो हमें फीडबैक देंगे, तो उसके ऊपर वर्क करके हमें फिर से उसे अच्छा करना है। अगर फीडबैक नहीं होगा तो डायरेक्टली हम लोग उसको वो वर्क जो है हमारा कंप्लीट बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है इंटरनल रिव्यू। इंटरनल रिव्यू मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमने एक स्प्रिंट के अंदर समझो सब कुछ बनाया है, ठीक है, डेवलप किया है एक स्प्रिंट के अंदर। स्प्रिंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्प्रिंट? कि स्प्रिंट वन में हमने समझो फोर रिक्वायरमेंट डेवलप की है, मतलब कोडिंग की है और उसकी टेस्टिंग की है। तो हम स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में क्या करते हैं? डेमो देते हैं टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है। नहीं, जो कुछ भी आपकी कोर टीम मेंबर रहे, कोर टीम रहेगी, उनको हम डेमो देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? इंटरनल रिव्यू मीटिंग, ठीक है। सो इंटरनल रिव्यू मीटिंग में क्या होता है कि आपकी जो पूरी टीम है वो एक जगह आती है, मतलब टीम क्रिएट की, मतलब क्या, मीटिंग क्रिएट की जाती है, और उसमें हम लोग ने जो कुछ भी एप्लीकेशन बनाया है वो हम लोग डेमो देंगे। तो डेमो देते वक्त हमें कुछ डाउट्स है या फिर हमें कुछ क्वेश्चंस है, तो हम चेक करते हैं सबको साथ में लेके, डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम। और अगर हमारे पास कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी सजेशन दे सकते हो। अभी सजेशन किस टाइप्स के होंगे? जैसे कि डेवलपर बताएगा कि मैंने ये फीचर डेवलप किया है 400 400, ठीक है, थाउजेंड 400, सॉरी, हम ठीक है, 400 लाइन्स का कोड लिखा है इसने, ठीक है, 400 लाइन का कोड उसने लिखा है। तो अगर डेवलपमेंट टीम का मैनेजर है, उसका कोड अगर देखता है, ठीक है, उसका कोड रिव्यू करेगा वहाँ पे, तो बोल सकता है ये काम जो है 250 लाइन से भी हो सकता है। तो इसे वो एक सॉल्यूशन देगा कि किस तरह से ये 150 लाइन्स ऑफ कोड माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग ऑफ कोड। तो रिफैक्टरिंग में क्या हो रहा है? आपका अगर 150 लाइन माइनस हो रहा है, तो 400 लाइन के लिए समझो 50 KB साइज लग रही थी, ठीक है। अगर आपने 150 लाइन की कम की तो कितना, 35 KB साइज होगी उस फाइल की। तो उससे क्या होगा? साइज कम हो गई, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ गया। मतलब अगर समझो लोड होने के लिए 2 सेकंड्स ले रहा था, इस साइज के लिए वेबसाइट लोड होने के लिए 2 सेकंड्स ले रहा था, ठीक है। तो 35 के लिए 1 सेकंड ले रहा है, तो क्या हुआ? परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से सजेशंस आएंगे इंटरनल रिव्यू में डेमो देते वक्त, ठीक है। तो ऐसे बोला जाए इंटरनल रिव्यू। उसके बाद में आता है एक्सटर्नल रिव्यू। एक्सटर्नल रिव्यू मतलब क्या है कि हम क्लाइंट को डेमो देते हैं।
डेमो टू क्लाइंट, तो वो होता है एक्सटर्नल रिव्यू। तो इस मीटिंग में हम लोग डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम मिलके डेमो देते हैं, अभी जो कुछ हमने इंटरनल डेमो में किया उसे इम्प्रूव करने के बाद एक्सटर्नल रिव्यू में क्लाइंट के साथ डेमो देते हैं। तो क्लाइंट को ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट पता है, तो उसे दिखाना पड़ेगा कि हमने रिक्वायरमेंट किस तरह से डेवलप की है। तो इसके अंदर कुछ कुछ क्लाइंट का फीडबैक रहेगा, सो वो फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो फीडबैक लेने के बाद वो नेक्स्ट स्प्रिंट में काम करते हैं हम उसके अंदर। तो उसे फीडबैक देने के बाद वो फीडबैक कंप्लीट करेंगे, उसको कोडिंग करेंगे, उसकी डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में फिर से उसे डेमो देंगे, फिर वो जाके बोलेगा कि यस गुड बोलेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है हम लोग प्रोडक्शन पे रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे। तो इस तरह से डेमोज होते हैं चार, सेल्फ रिव्यू, पीयर रिव्यू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद एक कल आने के बाद हम लोग देखते हैं, नहीं तो फिर ये हो सकता है आज के आज, ठीक है। वॉक थ्रू प्रोसेस, वॉक थ्रू प्रोसेस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो समझिए कि वॉक थ्रू प्रोसेस मतलब क्या होता है कि टेस्टर है, एक न्यू टेस्टर है, ठीक है। अभी आपको ही समझो कि आपको ही जॉब लग गया है, न्यू न्यू जॉब लग गया, आपको न्यू प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। सो एज अ डेवलपर और एज अ टेस्टर आपने जॉब किया है, तो टेस्टर, दो टेस्टर्स नए आए हैं आपके टीम के अंदर और वन डेवलपर एक नया आया है आपके टीम, ठीक है। एक ही दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दी गई है तीनों को, ठीक है। तो ये क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है, न्यू डोमेन है, तो आप लोगों में से किसी को आइडिया नहीं रहेगा कि एप्लीकेशन किस तरह का है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट में आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, उस डॉक्यूमेंट में क्या रहेगी, आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फो रहेगी। तो डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन के ऊपर टेस्टिंग के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए एप्लीकेशन बताएंगे क्या वो, या फिर टेस्टिंग करने बताएंगे क्या, नहीं। तो वो सबसे पहले दे विल प्रोवाइड यू वन डॉक्यूमेंटेशन, वन डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर PDF हो सकती है वो, जिसमें आपको प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रीड करनी होगी, समझ के लेना होगा कि वो प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया है, या फिर उसमें जो कुछ भी ऑप्शंस रहेंगे वो क्यों है, इसकी पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। अभी सपोज आप लोगों ने ये सब पढ़ भी लिया, ठीक है, ये सब डिटेल इंफॉर्मेशन ले भी ली, तो उसके बाद में एक वॉक थ्रू सेशन, वॉक थ्रू सेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो उस वॉक थ्रू सेशन में क्या रहेगा, ये जो दो और एक डेवलपर है, तीनों जो लोग है, थ्री पीपल जो है, उस सेशन में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तीन पीपल उस सेशन में अवेलेबल रहेंगे, और उस टीम के अंदर जो कुछ भी प्रीवियस वर्किंग पीपल है वो आके आपको एप्लीकेशन बताएंगे, एप्लीकेशन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो आप नए आए हो और आपको amazon.in यूज़ करने के लिए मैं बता रहा हूँ, या फिर कोई नई वेबसाइट है, देखो जैसे कि जावा टी पॉइंट, तो आपको क्या है, ये नया प्रोजेक्ट आपको इसके ऊपर काम करना है, तो
ये एप्लीकेशन के लिए क्यू बनाया गया है, इसके क्या क्या ऑप्शंस है, इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, वॉक थ्रू प्रोसेस दूंगा। मतलब आपको दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट इस तरह की है, क्योंकि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करके आओगे, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेंगी, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है ठीक है इस वेबसाइट के लिए, तो मैं बताऊंगा कि ये वेबसाइट क्यों रन होती है, इसका क्या ऑप्शंस है, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम क्या करेंगे देखेंगे, राइट। एप्लीकेशन के लिए तो ये देखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये एप्लीकेशन किस तरह से वर्क होता है, क्योंकि आप रीड करके आए हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे या फिर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे, वो डाउट्स मैं सॉल्व करके लूँगा इस सेशन में। तो दिस इज अ वॉक थ्रू सेशन इन विच अ डिज़ाइनर और प्रोग्राम लीड मेंबर ऑफ द डेवलपमेंट टीम एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज गो थ्रू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड द पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चंस एंड मेक कमेंट्स अबाउट द पॉसिबल एरर वायोलेशन एंड डेवलपमेंट। तो आपको जो डेवलपमेंट दिखाया जाएगा या एप्लीकेशन बताया जाएगा, इसके रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो यू जस्ट हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू देम, ये किस तरह से वर्क हो रहा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नहीं है, आपको जो कुछ लगना है पूछना है आप पूछ सकते हो। दैट इज़ अ वॉक थ्रू प्रोसेस। तो वॉक थ्रू प्रोसेस का सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने कुछ नया घर लिया होगा, ठीक है, आपने अगर नया घर किया होगा तो आपके दोस्त अगर वास्तु शांति के लिए आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सब लोगों को क्या करते हो, घर दिखाते हो, राइट। आपने अगर फर्स्ट फ्लोर मतलब क्या ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का घर बनाया तो इसके अंदर आप क्या करोगे, अगर आपका कोई दोस्त आता है तो उसको क्या करोगे, आप घर दिखाओगे कि ये घर हमने ऐसा बनाया है, यहाँ पे हॉल है, किचन है, ऊपर जाने के बाद बेडरूम है, राइट, तो मेरी ये रूम है, मैं यहाँ पे हॉल में रहने वाला हूँ, ऐसा वैसा। तो आपने जो कुछ भी किया होगा तो आप उनको दिखाओ, तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि इसको कितना खर्चा लगा, फिर आपका रूम कितना बना, ये कैसा कैसा बना, तो ये सब आप उसको बताओगे, राइट। तो दैट सेशन इज लाइक अ वॉक थ्रू। वॉक थ्रू सेशन मतलब क्या होता है कि पहले टाइम, फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग द एप्लीकेशन, और उस टाइम पे आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो कुछ डाउट्स रहेंगे, जो कुछ भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो आप उस इसमें पूछ सकते हो, राइट। अभी आप सेकेंड टाइम आपके घर में आ रहे हो, मतलब उसके घर में जा रहे हो दोस्त के, तो उस टाइम पे आपको कुछ पूछेगा क्या, आप कुछ पूछोगे क्या कि आपका घर कहाँ पे है, या फिर आपका तेरा रूम कौन सा है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, मेरे रूम पे आ जा, है ना, ठीक है। तो सेकेंड टाइम वॉक थ्रू की ज़रूरत है क्या, ना। सो दैट इज़ अ वॉक थ्रू प्रोसेस।